हेलो दोस्तों, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपदों को पहचानना सीखा और पदों की संख्या तथा चर की उच्चतम घात के अनुसार उनके वर्गीकरण पर भी चर्चा की। आज हम उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और बहुपद पर अपनी पकड़ और बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इन व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक बहुपद है तथा उस बहुपद के पदों के अनुसार और घातों के अनुसार प्रकार बताइए। प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सबसे पहले विकल्प एक्स घाते 3 धन 3 करनी में 5 में व्यंजक एक ही चर में है x, जिसकी उच्चतम घात है 3 और केवल दो पद हैं। एक है एक्स घाते 3 और दूसरा 3 करनी में 5, यानी कुल मिलाकर यह एक चर वाला त्रिघाती द्विपद है, क्यूबिक बाइनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरे विकल्प ऋण 3 टी का वर्ग धन 2 करनी में टी ऋण 1/4 में व्यंजक एक ही चर के रूप में है टी, जिसकी उच्चतम घात 2 है। लेकिन अगर दूसरे पद पर ध्यान दें तो वह है करनी में टी, जिसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहां पर टी की घात 1/2 है, यानी यह व्यंजक बहुपद नहीं है। तीसरा विकल्प एकदम सरल है, यह एक शून्य घात वाला अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। चलिए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। अब आपको दिए गए बहुपदों में एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखने हैं। इस प्रकार के प्रश्न काफी आसान होते हैं, हमें बस एक्स स्क्वायर पर ध्यान देना है और उसके गुणांक को लिखना है। पहले विकल्प में करणी में 2x का वर्ग ऋण 3x धन 9 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हम सीधे सीधे करणी में 2 ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विकल्प लेते हैं, एक्स धन 2x घाते 3 ऋण 5/4। यहां पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका गुणांक कैसे लिखें? इस व्यंजक को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य होने की वजह से यह पूरा पद शून्य हो गया। यानी जब व्यंजक या बहुपद में एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक शून्य होगा। अगला विकल्प है एक्स का वर्ग ऋण 7, क्या यहां भी उत्तर शून्य होगा? नहीं, यदि x घाते 2 के साथ कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी पद का 1 से गुणा करने पर फिर वही पद प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहां भी x घाते 2 का 1 से गुणा होकर x घाते 2 मिला है, यानी x घाते 2 का गुणांक है 1। आइए अपने अगले प्रश्न में, अब हम एक ऐसे त्रिपद का उदाहरण लिखेंगे जिसके चर की उच्चतम घात 15 हो। इसका जवाब कुछ इस प्रकार हो सकता है, x घाते 15 धन x घाते कोई भी पूर्ण संख्या शून्य के अलावा और 15 से कम धन कोई भी संख्या शून्य के अलावा। यहां पर आप x घाते 15 का गुणांक भी लिख सकते हैं जो शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जाते जाते यह रहा एक प्रश्न जिसे आप खुद हल करें। एक ऐसे द्विपद का उदाहरण लिखिए जिसके चर की उच्चतम घात 145 हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बहुपद को पहचानना सीखा तथा उनकी घातों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा। अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ और तत्वों पर नजर डालेंगे। धन्यवाद।